Namaste children, I welcome you all in my English class. In previous class, we had discussed about pronoun and pronoun related worksheet, in which we had completed our question number 4. Today, we will complete our rest parts of pronoun. So, let's start from question number 3. Earlier, we had done question number 4 of worksheet 1. Today, we will do our question number 3. Read the following extract from the passage C2, the canary. Unit animal world of my English reader and underline the replacing words. क्या करना है आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस आपके C2 द कनेरी चैप्टर से जो कि यूनिट 1 एनिमल वर्ल्ड का एक पार्ट है उससे दी गई हैं आपको क्या करना है रिप्लेसिंग वर्ड्स इनमें आया है दैट मीन्स प्रोनाउन वर्ड्स को आपको फाइंड आउट करना है और उनको अंडरलाइन करना है सो हियर ए सोमूज फादर हैड अ गिवन हिम अ वंडरफुल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे सोमूज के पास सोमू बच्चे का नाम है उसके पिता ने उसे एक बहुत ही खूबसूरत बर्थडे गिफ्ट दिया था क्या दिया था यानी अ लिटिल येलो कैनरी क्या दिया था एक बर्ड लिटिल येलो कैनरी कैनरी इज़ अ नेम ऑफ अ बर्ड हु सिंग्स वेरी स्वीटली सोमू नेम्ड हर मॉली सोमू ने उसका नाम मॉली रखा ये था हमारा सेंटेंस बट वी हैव टू फाइंड द प्रोनाउन वेयर आर द रिप्लेसिंग वर्ड और प्रोनाउन है सोमू इज अ नेम सोमूज फादर हैड अ गिवन हिम हिम किसे दिया हिम सोमू के लिए क्या यूज़ हुआ हिम यानी हिम हम किसके लिए रिप्लेसिंग वर्ड यूज़ किए हैं सोमू के लिए वी यूज़ हिम टू रिप्लेस सोमू अ वंडरफुल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे A little yellow canary. Somu named her Molly. Her, kiska? A little yellow. We use her for little yellow canary bird. We use her for bird. Now next, Somu's friend would come to see Molly every day. Somu ke friend hamesha aate the Molly ko dekhne. She would sing. ठीक सोमूज फ्रेंड कम टू सी मॉली एवरी डे सी वुड सिंग स्वीट सॉन्ग फॉर देम वो उनके लिए क्या करती थी गाना गाती थी कैसा गाना मीठा गाना स्वीट सॉन्ग गाती थी सी किसके लिए यूज़ हुआ है मॉली के लिए द बर्ड जो है बर्ड के लिए हमने सी यूज़ किया है तो ये रिप्लेसिंग वर्ड हो गया मॉली का वुड सिंग स्वीट सॉन्ग फॉर देम किन के लिए सोमूज फ्रेंड के लिए हमने रिप्लेसिंग वर्ड यूज़ किया देम After some week, Somu lost interest in Molly. कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कुछ वीक्स के बाद सोमू ने अपनी रुचि मॉली के तरफ कम कर दी स्टार्टिंग में कोई चीज़ आता है तो आप सारे बच्चों का ये हैबिट होता है क्या करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा उससे लगाव करते हैं उसके बाद धीरे धीरे जब वो चीज़ पुरानी हो जाती है तो आप उसमें इंटरेस्ट कम कर देते हो अपना वन डे ही डिड नॉट क्लीन द केज एक दिन उसने केज जिसमें मॉली को उसने रखा था उसने क्लीन नहीं किया ही किसने सोमू के लिए क्या यूज़ हुआ है ही क्लीन द केज अनदर डे ही डिड नॉट फीड हर अगले दिन उसने किसने सोमू ने डिड नॉट फीड हर उसे नहीं खिलाया किसे नहीं खिलाया हर किसके लिए यूज़ हुआ है बर्ड के लिए मॉली बर्ड के लिए जिसने मॉली रखा था नाम उसका हर यहाँ पे हमने क्या देखा सी देम ही हर ये क्या हो गए हमारे रिप्लेसिंग वर्ड यहाँ पे हमारा वर्कशीट 1 कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4 हमने प्रीवियस क्लास में किया था नाउ वी विल डू आर क्वेश्चन नंबर वर्कशीट 2 रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन व्हाट यू हैव टू डू आपको नीचे रीड द स्टोरी नीचे एक स्टोरी दी गई है आपको क्या करना है बीच बीच में वहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपको उन ऑप्शन में से सही को टिक करना है लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज एक समय की बात है एक बूढ़ा आदमी एक गांव में रहता था द ओल्ड मैन और ही अब यहाँ पे दो दिया है आपको
नेम. एक दे दिया है आपका द ओल्ड मैन नाउन एंड दूसरा दिया है आपको प्रोनाउन. यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, उस ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति की बात कर रहे हैं. बार बार हमने क्या सीखा है, रिप्लेसिंग वर्ड नाउन को बार बार यूज़ ना करना पड़े अपने स्टेटमेंट को और सेंटेंस को स्मार्ट लुक देने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्रोनाउन को ही को टिक करेंगे. ही हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ओल्ड मैन के लिए. एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति. एन ओल्ड मैन एक है इसीलिए हम, और मैन है लड़का है मतलब जेंट्स है, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, मेल पर्सन के लिए ही. ही हैड फोर सन्स, उसके कितने बच्चे थे, चार. द फोर सन्स ठीक वर वेरी लेजी. अब यहाँ पे आपको फिर दो दिया, द फोर सन्स एंड दे. फोर सन के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, दे. सो वी टिक दे हियर. दे वर वेरी लेजी, वो कैसे थे, काफ़ी. क्यों दे क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि एक से अधिक हैं, चार बच्चे थे उसके, चार बेटे थे, तो चार बेटों के लिए क्या यूज़ हुआ है, दे. दे वर वेरी लेजी. नेक्स्ट फुल स्टॉप. द ओल्ड मैन, अगेन हम क्या करेंगे, ओल्ड मैन के लिए ही का यूज़ करेंगे. देन टिक, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा है टिक करने, तो हम टिक करेंगे. ही यूज टू वर्क अलोन इन द फील्ड. उनके चार बेटे थे फिर भी वो क्या है, अकेले फील्ड में काम करते थे, कोई उनकी मदद नहीं करता था. आप भी क्या करते हो, अपने पेरेंट्स की मदद नहीं करते हो ना, आपको भी करना चाहिए. आपको पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहिए. घर के छोटे काम में या किसी भी काम में मम्मी पापा इन्वॉल्व होते हैं, तो आप छोटे छोटे काम जो आप कर सकते हो वो आपको करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है हिज सन्स और दे. क्या यूज़ किया है, हिज सन है और दे. हम क्या करेंगे, प्रोनाउन का यूज़ करेंगे. दे नेवर हेल्प्ड, किसकी हेल्प नहीं करते थे कभी भी. हिम किसकी, उस बूढ़े व्यक्ति के लिए. ही के लिए हमने यहाँ पे प्रोनाउन हिम यूज़ किया है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पॉजिटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था, ही हिम हिज पढ़ा था हमने, उसी का हम यहाँ यूज़ करेंगे. लड़के वे क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया. लेकिन बूढ़ा व्यक्ति क्या हो गया यहाँ हमारा, ऑब्जेक्ट. तो हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ ही का हिम यूज़ किया है. वन डे द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन के लिए अगेन क्या यूज़ करेंगे, ही. क्योंकि ये कहानी किसकी है, ओल्ड मैन की है. ही थॉट ऑफ एन क्लेवर प्लान, उसने एक क्लेवर प्लान के बारे में सोचा. द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन के लिए क्या दो वर्ड दिया गया, ओल्ड मैन और ही. व्हाट वी विल यूज हियर, ही. ही कॉल्ड हिज सन्स एंड टोल्ड, उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा. हिज सन्स, हिज सन्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ, देम. अपने बच्चों को बुलाया. यहाँ स्टोरी में दो ही हैं, एक ओल्ड मैन है और दूसरी तरफ उनके बच्चे हैं. तो दे के लिए हमने यहाँ पे प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ देम क्या हो गया, ओल्ड मैन यहाँ क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट के रूप में ही हो गया. लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में दे का हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लड़के चार थे उनके लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे दे. लेकिन यहाँ पे जो हिज सन यूज़ हुआ है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है, इसीलिए हम क्या करेंगे, देम का यूज़ करेंगे. देम दैट, क्या कहा अपने बच्चों से. द ओल्ड मैन यानी ही, वी अगेन टिक ही हैड ठीक. क्या कर रहा है, अगेन क्या करेगा वो, बेरिड ऑल हिज ट्रेजर इन हिज फील्ड. उसने उन्हें बुलाया और कहा कि मैंने अपना ट्रेजर, खजाना जो है वो फील्ड में क्या कर दिया है, छुपा के रखा है फील्ड में, ज़मीन के नीचे गाड़ दिया है, छुपा दिया है. देयर ब्रदर्स, अगेन हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउन दे. ब्रदर्स के लिए क्या यूज़ हुआ है, दे. अगेन देखो यहाँ फुल स्टॉप के बाद स्टार्ट हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, तो हमने भाइयों के लिए और चार लड़कों के लिए क्या यूज़ किया, दे यूज़ किया. देम नहीं यूज़ किया, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आया था तो हमने देम किया था, और यहाँ क्या कर रहे हैं हम, दे का यूज़ कर रहे हैं. दे वेंट एंड डग द फील्ड, वो गए और फील्ड को खोदा, खुदाई की. फील्ड अप. हाउ एवर द ब्रदर्स डिड नॉट फाइंड द ट्रेजर. अगेन द ब्रदर्स के लिए क्या यूज़ करेंगे प्रोनाउन, दे. उनको कोई भी खजाना नहीं मिला. अगेन फुल स्टॉप और
प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे? द ब्रदर्स के बदले हम दे यूज, दे वेंट बैक टू देयर फादर, वो वापस अपने पिता के पास गए. द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन के लिए क्या यूज़ करेंगे? ही लाफ्ड एंड टोल्ड, वो हंसा और बोला. किसे बोला? देम, उनसे बोला. देम दैट द फील्ड वॉज देयर ओनली ट्रेजर, वो ज़मीन ही उनका खजाना है. बाई मेकिंग देम, किसे? बाई मेकिंग देम, वो उनकी क्या करेंगे? प्लग मतलब खुदाई करना, जुताई करना. पौधे लगाने के लिए हमें ज़मीन को क्या करना पड़ता है? भुरभुरा करने के लिए उसकी कुड़ाई करनी पड़ती है. तो क्या करना है? प्लग, बाई मेकिंग देम प्लग. क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे हम यहाँ? देम. द फील्ड, द ओल्ड मैन, अगेन ओल्ड मैन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही प्रोनाउन यूज़ करेंगे. हैड गिवन देम, द ब्रदर और देम, क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ? देम. अ चांस टू अर्न मनी बाई ग्रोइंग क्रॉप्स, उन्हें क्या किया? चांस मिला टू अर्न मनी. मनी क्या करने का? अर्न करने का. वो ज़मीन पे क्या करेंगे? खुदाई करेंगे, प्रॉपर टाइम पे क्रॉप्स लगाएंगे. क्रॉप्स को जब क्रॉप्स पक जाएंगे तो वो क्या करेंगे? बाज़ार में जाकर बेचेंगे. तो उनको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा उनसे. तो वो एक तरह का खजाना है उनके लिए. इसीलिए किसान ने कहा था कि वो ज़मीन ही उनका क्या है? खजाना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ वर्कशीट 2, रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स एंड राइट इन ब्रैकेट्स व्हाट ऑब्लिक हु द अंडरलाइन प्रोनाउन स्टैंड फॉर. वन एग्जाम्पल्स हैज़ बीन गिवन फॉर यू. आपको नीचे कुछ डायलॉग्स दिए गए हैं, उनको रीड करना है और ब्रैकेट में ब्लैंक स्पेस दी गई हैं, उनमें आपको लिखना है. क्या लिखना है? उस ब्रैकेट के पहले जो प्रोनाउन यूज़ किया, अंडरलाइन कर दिया गया है, उसे आपको बताना है कि उस सेंटेंस में वो प्रोनाउन किसके लिए यूज़ हुआ है. वो रिप्लेसिंग वर्ड किसी को तो रिप्लेस किया है, तब तो हमने उसे रिप्लेसिंग वर्ड नाम दिया है. तो आपको वो बताना है कि उस सेंटेंस में वो रिप्लेसिंग वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है. फर्स्ट आपके लिए किया है टीचर, व्हाई इज़न्ट प्रशांत कमिंग टू स्कूल, क्यों प्रशांत स्कूल नहीं आ रहा है. इज़ ही डैश कीपिंग वेल, क्या वो सही है. ही को क्या किया? अंडरलाइन. अब आपको बताना है ही किसके लिए यूज़ हुआ है. टीचर के लिए? नो, प्रशांत के लिए. आपको ब्लैंक में क्या क्या? प्रशांत लिख दिया. ये आपको करके दिखाया गया है. अब नेक्स्ट में आपको बताना है मुदित, यस मैडम ही डैश कॉल्ड मी. ही अगेन, ही अंडरलाइन है. आपको बताना है ये ही किसके लिए यूज़ हुआ है. ही अगेन मुदित बता रहा है मैडम को, यस मैम. ही किसके लिए यूज़ हुआ है? प्रशांत के लिए. ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया था. किसने? प्रशांत ने. ही किसके लिए यूज़ हुआ है? प्रशांत के लिए. ही कॉल्ड मी, मी मुझे. मुझे किसके लिए यूज़ हुआ है? मुदित. किसके लिए यूज़ हुआ है? मुदित के लिए. याद रखोगे बीच में यूज़ कर रहे हो, पी और एम कैपिटल होगा क्योंकि ये कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है. यस्टरडे, उसने मुझे बीते हुए कल कॉल किया था. ही हैज़ गॉन आउट ऑफ स्टेशन विथ हिज फैमिली, वो अपने परिवार के साथ कहाँ गया है? बाहर गया हुआ है. दे डैश विल बी स्टेइंग देयर फॉर अ वीक. दे अंडरलाइन किया. अब आपको बताना है दे किसके लिए यूज़ किया गया. दे प्रोनाउन है, किसके लिए इसे यूज़ किया गया है? प्रशांत फैमिली, वो फैमिली के साथ गया है ना. दे यानी वो और उसकी फैमिली, प्रशांत फैमिली. प्रशांत फैमिली. दे किसके लिए यूज़ हुआ है? प्रशांत की फैमिली के लिए. विल बी स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, वहाँ एक वीक रहने वाले हैं. बी ऋषि एंड अंकिता, ऋषि एंड अंकिता के अब कन्वर्सेशन को सुनिए. कपिल आर यू डैश कमिंग विथ अस, कपिल आर यू, यू किसके लिए यूज़ हुआ है? कपिल के लिए. किसके लिए यूज़ हुआ है? कपिल के लिए. आर यू कमिंग विथ अस, अस किसके लिए? क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो? अस, ऋषि एंड अंकिता पूछ रहे हैं तो अस किसके लिए यूज़ हुआ है? ऋषि एंड अंकिता के लिए, अंकिता. ओके, टू नेहाज बर्थडे पार्टी टुडे, कपिल क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो नेहा की बर्थडे पार्टी में आज? कपिल, नो आई कांट, नहीं मैं नहीं आ सकता. ऋषि, व्हाई हैजंट शी इनवाइटेड यू, क्या उसने तुम्हें इनवाइट नहीं किया?
सी किसके लिए यूज़ हुआ है? जिसकी बर्थडे पार्टी है वही इनवाइट करेगा। सी किसकी बर्थडे पार्टी है? नेहा की। तो सी किसके लिए यूज़ हुआ है? नेहा के लिए, नेहा। देन नेक्स्ट कन्वर्सेशन कपिल। ओह नो, सी सी हैज़न्ट इनवाइटेड मी, सी हैज़ इनवाइटेड मी। कपिल क्या रिप्लाई करता है? ओह नो, ऐसा बात नहीं है, उसने मुझे इनवाइट किया है। किसने? सी। सी किसके लिए यूज़ हुआ है? नेहा के लिए। सी हैज़ इनवाइटेड मी, बट हमें बताना किसका है? मी का। मी यानी मुझे। कपिल अपने बारे में बता रहा है कि नहीं, हो उसने मुझे किया है इनवाइट। बट आई हैव टू टेक माई मदर टू द हॉस्पिटल, लेकिन आज मुझे कहाँ जाना है? अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाना है। सी। सी किसके लिए यूज़ हुआ है? सी हैज़ एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, उनका डॉक्टर के साथ आज अपॉइंटमेंट है। सी किसके लिए यूज़ हुआ है? कपिल की मम्मा के लिए, कपिल्स मदर, कपिल्स मदर। ओके, देन नेक्स्ट सी टीचर। स्मिता इजंट योर मदर अ डॉक्टर? स्मिता क्या तुम्हारी मम्मा एक डॉक्टर है? स्मिता यस मैडम। सी डैश इज अ जनरल फिजिशियन, सी किनके लिए यूज है? स्मिता बोली हाँ मैम, और सी सी अपनी मम्मा के लिए यूज कर रही है, यानी स्मिताज मदर, स्मिताज मदर। इज एन इज अ जनरल फिजिशियन टीचर, कैन यू डैश, कैन यू, यू को अंडरलाइन किया, यू किसके बदले यूज हुआ आपको बताना है। कैन यू स्मिता को बोल रही है ना, तो यू किसके लिए यू हुआ है? स्मिता के लिए। स्मिता प्लीज आस्क हर, आस्क हर, पूछिए उनसे, ठीक है, बोलना उनसे। हर किसके लिए? उनकी मम्मा को बोल रही हैं कि तुम अपनी मम्मा को बोलना। कैन यू, क्या तुम अपनी मम्मा को बोल सकती हो, बुला सकती हो? हर के किसके लिए हुआ है? स्मिताज मदर के लिए, स्मिताज मदर। टू कम टू आर स्कूल एंड डिलीवर लेक्चर ऑन हेल्थ एंड हाइजीन, कि क्या वो हमारे स्कूल में आकर एक लेक्चर दे सकती हैं हेल्थ एंड हाइजीन पे? हाइजीन मतलब सैनिटेशन, स्वच्छता, हेल्थ मतलब हमारा हेल्थ, जो हम हैं अच्छे हेल्दी रहते हैं हम, और हमारा हाइजीन सैनिटेशन स्वच्छता। स्मिता आई विल कन्वे योर मैसेज टू हर, मैं आपकी मैसेज को उन तक कन्वे कर दूंगी। कन्वे, जब हम किसी के मैसेज को किसी तक पहुंचाते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कन्वे, मतलब पहुंचाना। कन्वे मैसेज टू हर, किसको? मैं उनसे पहुंचा दूँगी, यानी अपनी मम्मा को। हर किसके लिए यूज़ हुआ है? स्मिताज मदर के लिए यूज़ हुआ है। मैडम आई एम श्योर सी डैश वुड लव टू कम टू आर स्कूल एंड गाइड द स्टूडेंट्स अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन, मैं श्योर हूँ कि वो आना पसंद करेंगी यहाँ के बच्चों के लिए, और उनको क्या करेंगी? हेल्थ एंड हाइजीन पे क्या करेंगी? उनको गाइड करेंगी। सी किन के लिए हुआ है यूज़? अगेन स्मिताज मदर के लिए। ओके, देन लास्ट आपका जो यूनिट टू है प्रोनाउन, उसमें लास्ट पार्ट है आपका डू इट योर सेल्फ। इसमें क्या करना है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन में रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विथ दे, देम और इट एंड राइट द सेंटेंस अगेन। आपको क्या करना है, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है, आप उसमें अंडरलाइन किए गए हैं कुछ वर्ड्स, आपको उन वर्ड्स को, ठीक है, वो नेमिंग वर्ड्स हैं, उन अंडरलाइन नेमिंग वर्ड्स को आपको रिप्लेस करना है किससे? दे, देम और इट। आपको तीन दे दिया गया है यहाँ प्रोनाउन, दे, देम और इट, इन्हीं तीन को आपको उनके जगह पे रिप्लेस करना है। सो लेट्स डू, सी आपको अंडरलाइन किए गए हैं वर्ड्स, उनके लिए प्रोनाउन यूज़ करना है दे, देम और इट। एनिमल्स टू गेट कैविटीज़, एनिमल्स को भी कैविटीज़ होती है। एनिमल्स नीड टू बी ट्रीटेड फॉर कैविटीज़ जस्ट एज ह्यूमंस डू, एनिमल्स को भी ज़रूरत पड़ती है कैविटीज़ के ट्रीटमेंट की, जैसे कि ह्यूमंस को पड़ती हैं, ठीक। अंडरलाइन वर्ड्स है हमारा ह्यूमन एंड एनिमल्स एंड कैविटीज़, आपको लिखना है एनिमल्स टू गेट कैविटीज़, ओके। एंड जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, इस बार आपको उनके बदले क्या यूज़ करना है? यूज़ करना है दे, देम या इट, इन तीनों में से कोई एक आपको यूज़ करना है। क्या यूज़ करोगे आप एनिमल्स के लिए? दे प्लूरल है, एनिमल्स है, दे नीड टू बी ट्रीटेड फॉर
डैश जस्ट एज ह्यूमन बी. अब कैविटीज के लिए क्या करोगे, कैविटीज के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे. ओके, इट, दे नीड टू बी ट्रीटेड फॉर इट जस्ट एज ह्यूमन्स डू. जैसे कैविटीज क्या हैं, कैविटीज नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, कीड़े के लिए क्या हमने यूज किया, इट का यूज किया, फॉर इट जस्ट. जैसे ह्यूमन्स को ज़रूरत पड़ती है वैसे ही जानवरों को भी ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट हम आते हैं, द मोस्ट टॉकेटिव पैरट ऑन रिकॉर्ड वॉज एन अफ्रीकन ग्रे पैरट. ठीक, रिकॉर्ड जो हमने किया है, हमारे रिकॉर्ड में यह पाया गया कि सबसे ज़्यादा टॉकेटिव बात करने वाला पैरट क्या होता है, अफ्रीकन ग्रे पैरट होता है. नेक्स्ट फुल स्टॉप, द अफ्रीकन ग्रे पैरट हैड लर्नड ऑलमोस्ट 1000 वर्ड. अफ्रीकन ग्रे पैरट क्या करते हैं, 1000 वर्ड लर्न करते हैं. अंडरलाइन किया गया अफ्रीकन ग्रे पैरट. अब हमको इसके लिए यूज़ करना है दे देम इट में से एक कोई. तो अगेन आप लिखना स्टार्ट करो, जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसको बस आपको चेंज करना है. द मोस्ट टॉकेटिव पैरट ऑन रिकॉर्ड वॉज एन अफ्रीकन. यहाँ हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पैरट की बात कर रहे हैं, सो वी आर राइटिंग इट एज कैपिटल लेटर पैरट. अगेन इस टाइम हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, इट, इट हैड, इट यूज करेंगे अफ्रीकन ग्रे पैरट के लिए. इट हैड लर्नड ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स. देन सी, A mosquito has 47 teeth. I wonder how many of these the mosquito uses when the mosquito bite. एक mosquito के पास 47 teeth होते हैं. मुझे ये आश्चर्य हो रहा था, मैं ये सोच रहा था कि कितने दांतों का mosquito use करता है जब वो हमें bite करता है. तो the mosquito, again हम इसके लिए क्या word use करेंगे, दे देम और इट में से, वो हमें बताना है. आप लिखना स्टार्ट करो, जो अंडरलाइन वर्ड से उसके बदले आप रिप्लेसिंग वर्ड यूज करो. द मस्क्यूटो हैज 47 टीथ. आई वॉन्डर हाउ मेनी ऑफ दीज द मस्क्यूटो यूजेस व्हेन इट. द मॉस्किटो के लिए क्या यूज किया हमने, इट बाइट्स. ओके, नेक्स्ट डी क्या है हमारा, जेब्राज आर नॉट ब्लैक विथ वाइट स्ट्रिप्स. जेब्रा जो होते हैं वो ब्लैक पे वाइट स्ट्रिप्स के नहीं होते हैं, उनके जेब्राज आर एक्चुअली वाइट विथ ब्लैक स्ट्रिप्स. वाइट पे उनके ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं, धारियां होती हैं. जेब्रा पे आपको बताना है रिप्लेसिंग वर्ड क्या यूज करोगे. आप लिखना स्टार्ट करो, Zebras are not black with white stripes. Next, आपको zebra के लिए word use करना है, replacing word. They are actually white with black stripes. Then E, last one, honeybees are among the most hardworking creatures. To make 1 pound of honey, the honeybees have to collect nectar from about 20 lakh flowers. क्या होता है, हनीबी जो मधुमक्खियाँ होते हैं जो हमें हनी देती हैं, वो क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा मेहनती होती हैं. वो 1 pound हनी बनाने के लिए कलेक्ट करती हैं 20 lakh flowers में से नेक्टर यूज़ करती हैं. वॉट इज़ नेक्टर, नेक्टर इज़ अ स्वीट लिक्विड दैट बीज कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर टू मेक हनी. नेक्टर क्या होता है, एक स्वीट लिक्विड होता है जो कि मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, फ्लावर से निकालती हैं हनी बनाने के लिए. अब हमें हनी बी के लिए यहाँ यूज़ करना है. हम क्या करेंगे, पहले लिखना स्टार्ट करेंगे, हनी बीज आर अमंग द मोस्ट hard working creatures
to make 1 pound of honey, के फुल कॉमा द हनी बीज के लिए हम क्या करेंगे, दे यूज करेंगे. दे हैव टू कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम अबाउट 20 lakh फ्लावर्स. क्लियर. नेक्स्ट, डू इट योरसेल्फ का हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस, दैट मीन्स रिप्लेसिंग वर्ड. यहाँ पे आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं जो आपको फिल करने हैं एक सही प्रोनाउन का यूज करके. सो लेट्स स्टार्ट. वन डे अ पुअर फिशरमैन कॉट अ मैजिकल फिश. एक दिन एक पुअर गरीब फिशरमैन मछुआरा क्या कर रहा, एक मैजिकल जादुई मछली पकड़ा. द फिश रिक्वेस्टेड, फिश ने रिक्वेस्ट किया किस से, ऑब्वियस बात है फिशरमैन ने पकड़ा तो उससे करेगी, फिशरमैन से. ही के लिए फिशरमैन मैन है, ही है, ही के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में. फिश यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट हिम. ही रिक्वेस्टेड हिम, द फिश रिक्वेस्टेड हिम, फिश ने रिक्वेस्ट किया उससे. टू लीव, किसे लीव करने के लिए, हर मछली को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट किया कि मुझे छोड़ दो. एंड प्रोमिस्ड, और उसे प्रोमिस्ड किया टू ग्रांट क्या करने के लिए, हिम वन विश, उसे किसे, और उसे कहा, किसे कहा, फिशरमैन को कहा कि तुम कोई एक विश मांगो अपना. द फिशरमैन हैड टू चिल्ड्रेन, फिशरमैन के दो बच्चे थे. डैस हैड नो सूज, इनके उनके पास सूज नहीं था. दो बच्चे एक से अधिक है चिल्ड्रेन, तो उनके लिए क्या यूज हुआ, दे हैड नो सूज. सो डैस आस्क द फिश टू गिव, किसने मांगा अपने बच्चों के लिए, उस फिशरमैन ने मांगा फिशरमैन के लिए, ही. सो ही आस्क द फिश टू गिव क्या, हिम टू पेयर्स, उसे दो जोड़े, टू पेयर्स ऑफ शूज उसके बच्चों के लिए दे दे. उस फिशरमैन ने फिश से कहा कि वो उसे दो जोड़े, टू पेयर्स शूज दे दे अपने बच्चों के लिए. द फिश प्रोमिस दैट, फिश ने उसे प्रोमिस किया था, वेन ही रिटर्न होम, जब वो घर वापस जाएगा. फिशरमैन के लिए क्या यूज हुआ, ही. जब वो घर वापस जाएगा, ही रिटर्न होम, ही वुड फाइंड, उसे मिलेगा, क्या मिलेगा, हिज चिल्ड्रेन, उसके बच्चे, फिशरमैन के बच्चे, हिज चिल्ड्रेन वेयरिंग नॉट ओनली न्यू शूज बट ऑल्सो न्यू क्लॉथ. सिर्फ उनके बच्चे दो मतलब शूज ही नहीं पहने रहेंगे, उनको नए क्लॉथ्स भी, वो देखेगा कि उन्होंने न्यू क्लॉथ्स भी वेयर किया है, पहना हुआ है. यहाँ पे हमने अपना डू इट योर सेल्फ भी कम्प्लीट किया. हेयर वी कम्प्लीटेड आर यूनिट 2, प्रोनाउन और रिप्लेसिंग वर्ड्स. वॉट इज योर होमवर्क, यू हैव टू कम्प्लीट ऑल दिस वर्कशीट इन योर बुक, इन योर प्रैक्टिस बुक. दोज हु हैव नॉट बुक, दे विल डू देयर वर्क इन कॉपीज. थैंक यू चिल्ड्रेन.